हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के टॉपिक पे हमने ये मॉडल बनाया हुआ है 3D में कन्वर्ट करके, और ये पार्ट में इस मॉडल को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और 4 पार्ट में अलग अलग फील्ड में क्या क्या चेंजेज आए हैं डिजिटल इंडिया होने के कारण, तो वो सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये मॉडल है, ये मॉडल जो पहले तो ये मॉडल किट फॉर्म में है, सारा चीज़ किट फॉर्म में। आप लोग इसे अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवर है, विद इन वीक आपको ये रिसीव हो जाएगा। और किस फॉर्म में रिसीव होगा, कैसे आप इसे असेंबल कर पाओगे, तो इसलिए इसके लिए आप कोई भी हमारा DIY किट का मॉडल आप देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आप देख रहे हो कि ये प्लग इन प्ले वाला सारा सिस्टम है। जैसे कि हम कोई भी आप DIY किट देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने सारा चीज़ बताते हैं कि आपके पास जब पहुँचेगा वो किट फॉर्म में किस तरह पहुँचेगा और आप इसे कैसे असेंबल कर पाओगे। सारा सिस्टम प्लग इन प्ले वाला है, इजी वे में, एकदम पजल सॉल्व करने के बराबर ये सारा सिस्टम किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है, पूरा प्रोसेस उस तरह ही है। तो हम एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम इसी लेते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग क्षेत्र में जो क्या क्या चेंजेस आए हैं डिजिटली, तो वो सब चीज़ के बारे में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने शो किया हुआ है कि इरिगेशन सिस्टम जो है ये चेंज हो चुके हैं। जो कि पहले हमारा नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम होता है, अब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जिसके अंदर के ड्रिप इरिगेशन हो गया। उसके बाद हमें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोटो में यहाँ पर शो किया हुआ कि सारा चीज़ हम उसके अंदर मॉइस्चर लेवल चेक कर सकते हैं, उसके पानी चाहिए या ना चाहिए वो सब चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं हम घर बैठे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि फार्म में जाए और हम करें, और साथ ही और फसल की जो हेल्थ है, हेल्थ को भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं डिजिटली आजकल के। और जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसके अंदर फर्टिलाइज़र जो डाले जाते हैं या किसी भी तरह केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे फार्म में है, उसके लिए हमें ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, और ड्रोन को भी मैन्युअली नहीं ऑटोमेटिक आपका डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं इजीली। एंड आप देख रहे हो इसके हेल्थ करने के लिए यहाँ पे जो कुछ ह्यूमन फिगर लगाए हुए, जिसके अंदर की लैपटॉप या टैबलेट है, डिजिटल टैबलेट जिसके थ्रू ये सारा चीज़ मॉनिटरिंग कर रहा है कि आपके इसके फार्म में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये बैकग्राउंड में हमने पॉली हाउस, इसको हम बोलते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस के अंदर जो हमारे प्लांट होते हैं, जिसके अंदर की सब चीज़ को मॉनिटरिंग किया जाता है, उसके टेम्परेचर हो गया, उसके ह्यूमिडिटी हो गया, उसके वाटर लेवल हो गया, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज़ सब चीज़ को मॉनिटरिंग ऑनलाइन किया जा सकता है। और सारा सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है वो सारा सोलर पैनल पर काम कर रहा है आजकल। और आप ये देख रहे हो कि ये गवर्नमेंट के एजेंसी है या गवर्नमेंट के फर्म बोल सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके ये भी हमारा ऑनलाइन ही डिजिटली चलता है। तो इस हिसाब से हमने सारा मॉडल क्रिएट किए हुए हैं, जिसके अंदर कि हमने इस पार्ट में ये सब चीज़ शो किया हुआ है। एंड सेकेंड सीन है, सेकेंड पार्ट में हमने शो किया हुआ कि हमारे जो हेल्थ केयर में क्या सब, हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं पहले के मुकाबले। इसके अंदर डिजिटली सारा चीज़ हो रहा है, डिजिटली आपको डॉक्टर आपके साथ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं, सारा चीज़ डिजिटली, डिजिटल मशीन आ गया है। आप देख रहे हो एम्बुलेंस को भी अब डिजिटली आप बुक कर सकते हो। ये हमारा 2-व्हीलर एम्बुलेंस हो गया, ये हमारा 4-व्हीलर एम्बुलेंस हो गया हुआ है। इसके अंदर इस सीन में हमने इतना सीन क्रिएट किए हुए हैं, सारा चीज़ जितने भी चीज़ है, जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी आप पेशेंट का डाटा है, सारा ऑनलाइन रह जा रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू सारे रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमने इस सीन में क्रिएट किए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं। और अब हमने जो थर्ड सीन क्रिएट किए हुए हैं, थर्ड सीन में हमने ऑनलाइन सर्विस के बारे में दिया है कि ऑनलाइन जितने भी सर्विस होते हैं, चाहे वो आप सुपरमार्केट से कोई ऑर्डर कर रहे हो, या आप ई कॉमर्स से कोई ऑर्डर कर रहे हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस है, सुपरमार्केट है, डिलीवरी बॉय है आप, या कैब, ऑनलाइन कैब बुकिंग कर सकते हैं, डिलीवरी पर्सन देखो डिलीवर कर रहा है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। सब चीज़ को आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं अपने डिजिटली मोबाइल के थ्रू। ऑनलाइन बैंकिंग भी है, यहाँ बैंकिंग क्षेत्र में भी ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बताया हुआ कि आप ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सभी तरह का कार्ड, सभी तरह सब चीज़, जो भी चीज़ शॉपिंग करनी हो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हैं इजीली। एंड लास्ट सीन है, एंड फोर्थ सीन में हमने क्रिएट किया हुआ है कि इंक्लूडिंग ऑल रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया। आप ये हेडिंग देख रहे हो, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि इसके अंदर अब जो हमारा इंडिया जो डिजिटली हो रहा है वो सब चीज़ के बारे में, जैसे 5G नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया, QR कोड हो गया, ये आप मोबाइल टावर हो गया, सैटेलाइट यहाँ पे आप देख रहे हो, और जितने भी IT वर्कर हैं या कोई भी जो कंप्यूटर से आया और डिजिटली काम कर सकते हैं, वो होम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में करें, चाहे होम में करें, चाहे गार्डन में करें, अपने हिसाब से आप
सब चीज़ सेट कर सकते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाया जबकि हमारा डिजिटल इंडिया बना है। आप देख रहे हो यहाँ बैकग्राउंड में भी कुछ व्हीकल्स वो किया हुआ है, सारे डिजिटली ऑपरेटेड है। तो सब चीज़ हम आजकल के जो दुनिया चल रही है सब चीज़ डिजिटली हो चुका है। तो इस तरह हमने सारा मॉडल को क्रिएट किए हुए जिसमें कि आपको सभी पार्ट को ऑलमोस्ट हमने कवर किया हुआ है सारे थोड़े थोड़े करके। तो ज़्यादा चीज़ आप इस मॉडल में शो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत एक्सप्लेन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो बताइए कैसी लगी कंप्लीट प्रोजेक्ट ये। अगर इसे आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले जो नंबर शो हो रही है उस नंबर पर आप फोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर आपको ये विद इन वीक रिसीव हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, एंड सीओडी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप ऑर्डर ईजिली कर सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी कंप्लीट प्रोजेक्ट ये डिजिटल इंडिया का कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशनल प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल किट का हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए अपना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।